साइट पर आप देख सकते हो मेरे फेसबुक रील्स पर कितने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, मेरी शॉर्ट वीडियो, मेरी लॉन्ग वीडियो सभी पर जो है अच्छे व्यूज आ रहे हैं। उसका कारण यही है कि मैंने ऐसी सेटिंग की हुई है, ऐसी मेरे को ट्रिक पता चल गई है जिससे जो फेसबुक की रील्स को आप कैसे वायरल कर सकते हो वो आप जान सकते हो। आज उसी के बारे में आपको बताऊंगा। काफी लोगों की आपने जो है वीडियोज देखी होगी, वो कहते हैं कि फेसबुक से पैसे वो कितने ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन फेसबुक पर आप तभी पैसा कमा सकते हो जब आपकी जो है वीडियो वायरल होगी। अगर आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी तो फेसबुक से जीरो पैसा कमा पाओगे, कोई भी पैसा नहीं कमा पाओगे। फेसबुक पर काफी सारी ऑप्शन है पैसा कमाने की, जैसे स्टार की ऑप्शन है, जैसे एड्स ऑन रील्स की ऑप्शन है, इंस्ट्रीम एड्स की ऑप्शन है, सब्सक्रिप्शन की ऑप्शन है, जिसे आप जो है ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपकी वीडियो के वायरल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी वीडियो वायरल नहीं हो पाएगी तो आप जो है फेसबुक से कोई भी पैसा नहीं कमा पाओगे। तो यही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, कौन सा ट्रिक मैं यूज करके जो काफी सारे व्यूज ला पा रहा हूं और काफी ज्यादा पैसे कमा रहा हूं, और आप भी कैसे पैसे कमा सकते हो, कैसे अपनी वीडियो को जो है वायरल कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर वीडियो के लास्ट तक आप नहीं देखोगे तो आपको जो है प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाएगी। अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाएगी तो आपकी वीडियो वायरल नहीं हो पाएगी, आप पैसे नहीं कमा पाओगे। दो तरीके सबसे ज्यादा है जो है इंस्ट्रीम एड्स और एड्स ऑन रील्स, जिससे आप सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हो। उसी के लिए ही आपकी वीडियो का वायरल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है अपनी वीडियो को वायरल करते हैं और कौन कौन सी सेटिंग जो है आपको करनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फेसबुक पे स्क्रीन पे आ जाते हैं, वहां पर हमें जो है कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग करने के लिए हम ऊपर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमें शो होने लगेगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद जो है कुछ हमें ऑप्शन दिखाई देगी, जैसे हमें जो है पोस्ट की, स्टोरीज की, पेज की, रील्स की ऑप्शन दिखाई देगी। तो सबसे पहले हमने पोस्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है हु कैन सी यूर फ्यूचर पोस्ट, तो हम आपकी पोस्ट जो है फ्यूचर में कौन कौन देख सकता है। तो हमने जो है जैसे कि पब्लिक पर क्लिक किया हुआ है। आप जो है आपका अगर फ्रेंड्स पर क्लिक होगा या फिर स्पेसिफिक फ्रेंड ओनली में किसी पर भी क्लिक होगा तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो आपने जो है पब्लिक पर क्लिक करना है, क्योंकि पब्लिक पर क्लिक करोगे तभी आपकी पोस्ट के वायरल होने के चांसेस होंगे, पब्लिक में जा पाएगी। फ्रेंड्स में रहेगी तो फ्रेंड्स तक ही आपकी वीडियो रह जाएगी, इसलिए आपने पब्लिक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो हमने बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद जो है स्टोरीज पर हमने क्लिक करना है। स्टोरीज पर क्लिक करने के बाद पहली जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी आपने जो है पब्लिक पर क्लिक करना है, फ्रेंड्स पर क्लिक नहीं करना है, कस्टम पर क्लिक नहीं करना है। तो दूसरी ऑप्शन पर जाएंगे। दूसरी ऑप्शन पर जाने के बाद जो है सबसे पहले आपने अलाउ पर क्लिक कर देना है दोनों तरफ हमने, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है यहाँ से भी बैक आ जाएंगे। यहाँ की हमने दो ही सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद हमने बैक आ जाना है और रील्स पे क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो मैंने सेटिंग की हुई है ऊपर या ऐसे अपने जो है ऑन रखना है, नीचे हमने फिर से पब्लिक पर क्लिक करना है, पब्लिक पर ही क्लिक करना है। सारी ऑप्शन जो भी मैंने बताई है सब पर पब्लिक पर ही क्लिक करना है, तभी आपकी वीडियो, रील, पोस्ट, स्टोरी जो है पब्लिक तक जा पाएगी। अगर आपकी पब्लिक तक ज़्यादा से ज़्यादा जा पाएगी तभी आपकी रील्स वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है प्रोफाइल एंड टैगिंग पर क्लिक कर देना है। जो आप एज इट इज़ देख रहे हैं मेरी सेटिंग, जो भी देख रहे हैं वैसी ही आपकी सेटिंग होनी चाहिए। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि आपकी ये वाली सेटिंग ऑन है या नहीं ऑन है। तो जैसे ही हम ये क्लिक कर देंगे उसके बाद हमने फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद कुछ और सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे वहाँ पर हमें लैंग्वेज की ऑप्शन देखेगी। लैंग्वेज की ऑप्शन जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर ही आपकी वीडियो वायरल होगी या नहीं होगी वो डिसाइड होता है, क्योंकि अगर आपने जो है अपनी लैंग्वेज सही सिलेक्ट नहीं की है, मान लो आप पंजाबी में वीडियो डालते हो और आपकी लैंग्वेज आपने बंगला डाली हुई है या आपने हिंदी डाली हुई है, तो आपके वायरल होने के चांस नहीं होगा। जिस भाषा में आप वीडियो बनाते हो वो भाषा आपकी सिलेक्ट होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप अगर उसी भाषा में, जिस भाषा में आप वीडियो बना रहे हो उसी भाषा में आप जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो आपकी जो है वीडियो वायरल होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हम अभी जो है बैक आ चुके हैं। उसके बाद जो है हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम रील्स कैसे अपलोड करते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो हम जो है रील्स पर क्लिक करेंगे रील्स जानने के लिए। तो यहाँ पर मैं कोई अपनी रील ले लेता हूँ। रील लेने के बाद जो है हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, जो सेटिंग जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ही हम कोई भी रील, हमारी मान लो ये वाली रील मैंने ले ली, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर मेरे को एक ऑप्शन दिख रही है ऐड ए पोल। ऐड ए पोल मतलब आप कोई भी पोल क्रिएट कर सकते हो, आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो जिससे जो है एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। लोग क्वेश्चन का आंसर, आपका कोई भी आप क्वेश्चन डालोगे उसका जितना ज़्यादा लोग आंसर करेंगे
उतना ही ज्यादा आपके वीडियो वायरल होने के चांसेस हो जाएंगे। मान लो जैसे वोटिंग का सिस्टम होता है ना, वैसे ही आपके क्वेश्चन कर दिया, उस पर वोट कर दिया लोगों ने, उसी का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके जो है वायरल होने के। तो यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद जो है उसका आंसर भी हम देखेंगे कि कौन सा आंसर यस नो में डाल देंगे हम, कि लोग जो है कैसे यहाँ पर यस करते हैं या नो करते हैं। जितना ज़्यादा जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपकी जो है वीडियो वायरल होने के उसके। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ से हम जो है पोल क्रिएट कर लेंगे, तो मैंने पोल क्रिएट कर लिया है। अब जितना ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतने ज़्यादा वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो भी सॉन्ग है उसके ही लिरिक्स लिख देता हूँ, आप क्वेश्चन भी कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर जो है अपने सॉन्ग के लिरिक्स लिख दिया। उसके बाद जो है हमने कवर फोटो जो है बिल्कुल सही सिलेक्ट करनी है, जिससे जो है लोग ज़्यादा यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक थ्रू रेट जितना ज़्यादा होगा उतने चांसेस होंगे ज़्यादा आपके वीडियो वायरल होने के। यहाँ पर हम जो है अच्छा सा कवर लगा लिया हमने। तो उसके बाद जो है हैशटैग लगाना बहुत ज़रूरी है हमें। तो हैशटैग लगाने के लिए हम जो है बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद जो है यहाँ पे हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद जो है गूगल क्रोम पे चले जाएंगे, उसको या फिर गूगल पे चले जाएंगे, उस पर हम जो है हैशटैग सर्च करेंगे। लव हैशटैग, जैसे हमारे लव वीडियो है तो लव हैशटैग मैं डाल लेता हूँ फॉर इंस्टाग्राम। तो यहाँ से आपकी अगर कॉमेडी वीडियो है तो कॉमेडी के रिलेटेड आप हैशटैग ले सकते हो। यहाँ पर जैसे हैशटैग आ गए तो सारे के सारे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। आपकी जैसी वीडियो वैसे आप जो है यहाँ से हैशटैग ले सकते हो सिंपली। तो हमने जो यहाँ पर क्लिक कर दिया और कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद सिंपली हम जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट करने के बाद कुछ और सेटिंग है जो हमने करनी है। तो नीचे आ जाना है, ऐड टॉपिक्स की आपको ऑप्शन एक दिखाई दे रही होगी, तो हमने जो है उस पर क्लिक कर देना है ऐड टॉपिक्स पर। ऐड टॉपिक्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। आपकी वीडियो को अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पर टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपकी कॉमेडी वीडियो है तो कॉमेडी के रिलेटेड यहाँ पर कॉमेडी लिखा हुआ है। डांस की वीडियो है तो डांस पर क्लिक कर देना है। आप कुछ समझा रहे हैं लोगों को, टेक्निकल वीडियो है तो वहाँ पर कंज्यूमर टेक पर क्लिक कर देना है। तो मेरी अभी जो है वीडियो जो है रोमांटिक वीडियो है, टीवी के अकॉर्डिंग कुछ वीडियो है, तो यहाँ पर जो है हम वहाँ पर टीवी वाले पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ से क्लिक करने के बाद जो है हम सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम बैक आ जाएंगे। बस अब और क्या है, और कुछ नहीं करना है आपने, सिंपली अपनी वीडियो को शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद आप देखोगे कि आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपने ऐसा वीडियो कम से कम 10-15 वीडियो पर करके देखना है। ये नहीं है कि एक वीडियो पर कर दिया आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। लगातार आप जैसे आप ये करोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और आपकी ज़्यादा वीडियो वायरल होती जाएगी। आई होप आपको पता चल गया होगा कौन कौन सी सेटिंग आपने करनी है, जिससे आप जो है एड्स ऑन रील्स, इंस्ट्रीम एड सब्सक्रिप्शन और जो है स्टार से पैसे कमा सकते हो, अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हो और आप ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न कर पाओगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।